अच्छा, आजकल आप लोगों को पता है कि R32 के हवाले से एक नेगेटिव प्रोपोगंडा जो है वो मार्केट में चल रहा है कि ये R32 गैस जो है वो डेंजरस है, इसको आग लगती है, ये ब्लास्ट करता है। स्पेशली अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ है फैसलाबाद में, तो उस हादसे को जो है ना वो लिंक किया जा रहा है R32 के हवाले से। ठीक है, अब व्हाट्सो एवर क्या प्रॉब्लम बना है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को ये बताने का दिखाने का पर्पज ये है कि R32 गैस जो है वो बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं है। जैसा कि अभी हम लाइव डेमो सेशन करेंगे आप लोगों के सामने और आपको दिखाएंगे कि ये गैस जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्लेमेबल नहीं है। जैसा कि ये हमारे पास सिलेंडर है R32 का, और दूसरा हम गैस को ओपन करके आप लोगों को दिखाएंगे। जिस तरह ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें गैस अवेलेबल है, ठीक है, वो शो हो रही है। ये बालों से आपको आइडिया होगा कि प्रेशर आ रहा है इसमें। अच्छा, इसमें अब मैं आपको जो है इसमें शोला लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज है फ्लेमेबल हो वो आग पकड़ती है। ठीक है, तो ये गैस आप लोगों के सामने दिखाने का पर्पज ये है कि ये गैस जो है वो बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं है। इस तरह के ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये फ्लेमेबल हो तो ये शोला पकड़े यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो शोला नहीं पकड़ रही, ये देखें उसमें आपको नजर भी आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो गैस जो है वो शोला नहीं पकड़ रही। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि ये गैस जो है वो बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं है और ना ही ये डेंजरस है। इवन के ये आपकी जो है अगर उसके ऊपर पड़ती भी है, जिल्द के ऊपर भी पड़ती है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करती, ना आपकी जिल्द को डैमेज करती है, ना आपकी जो है किसी और जगह पे कोई इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्लियर एक मैसेज है और ये सब लोगों को आप जो है दूसरे लोगों को भी बताएं कि ये गैस जो है इको फ्रेंडली है, नॉन फ्लेमेबल है, और ये इसकी एफिशिएंसी, ये बेसिकली यूज करने का पर्पज क्या है कि ये जो है एक तो इको फ्रेंडली है, एफिशिएंसी वाइज बेहतर है, और इसका जो है उसपे एम्पेयर और करंट जो है वो कम लेती है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज हमारा ये है। मैं गेन आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल दोबारा से दिखाता हूँ कि ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि उसमें लाइटर जो है ओवर प्रेशर से वो बंद हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो है वो नजर नहीं आ रहा, उसमें फ्लेम वगैरह कोई ऐसा पकड़ नहीं रहा। ठीक है, ये गैस निकल रही है और आप इसमें प्रेशर से वो भी साउंड आपको नजर आ रहा होगा कि कोई बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल।